नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है वो राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों इशारों में बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी को काला टीका कहा है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जो बातें उन्होंने कही हैं उसे सीधे तौर पर राहुल गांधी से जोड़कर आप देख सकते हैं। लगातार राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर विवाद हो रहा है। संसद के दोनों सदन इस सिलसिले में चल नहीं पा रहे हैं। इसे लेकर अमित शाह ने बयान देते हुए कहा था कि राहुल गांधी को शायद अपनी दादी से सीखना चाहिए, किस तरीके से विदेश में जाकर उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों की बात करने का इनकार कर दिया था। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका अब तक इस मामले पर संसद में जो उन्होंने भाषण दिया था उसके बाद खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया था। लेकिन पहली बार उन्होंने एक अलग तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल एक निजी टीवी चैनल में वो अपना भाषण दे रहे थे। भाषण देखते वक्त उनसे वो बोल रहे थे कि भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, किस तरीके से जो वक्त गुजर रहा है उसके हिसाब से भारत का वक्त चल रहा है, इंडियाज मूवमेंट चल रहा है। और इसी दौरान उन्होंने बोला कि जैसे सब कुछ अच्छा चलता रहता है, शुभ शुभ चलता रहता है, अशुभ करने के लिए एक काला टीका होता है। यानी कि आपको जो भारतीय परंपराओं को जानते हैं उनको पता होगा कि लोग बच्चों को भी काला टीका लगाते हैं कि नजर ना लगे। तो ठीक उसी तरीके का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो मनोबल तोड़ने की भी बातें होती हैं। उन्होंने कहा है जैसे शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की एक परंपरा होती है। आज इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा उठा लिया है, ऐसा लग रहा है, उन्होंने कहा। तो उन्होंने राहुल गांधी पर निशान साधते हुए कहा है कि काला टीका लगाने का जिम्मा जो है वो कुछ लोगों ने उठा लिया है। और ये प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर एक नया हमला है। हालांकि इस बीच में कई लोग उनके इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब काले टीके वाले इस बयान पर क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा? क्योंकि अगर रिएक्शन आता है तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसे वैलिडेट कर देगी। जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने नाम लिए बगैर हमला बोला है, अगर कांग्रेस पार्टी इस पर रिएक्ट करती है तो आप ये मानिए कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मान गई कि हमला राहुल गांधी पर ही था। क्योंकि मौका इस वक्त इस तरीके का है जिसमें राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं विदेश में बोलने को लेकर, और इसी दौरान भारत की विदेश में जो छवि है उसकी तारीफ करते करते उन्होंने कह दिया कि जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि जब बहुत शुभ शुभ हो रहा हो तो एक काला टीका का इस्तेमाल करते हैं ताकि अशुभ जो है वो ना हो, तो उसी तरीके से राहुल गांधी को उन्होंने काला टीका कहा है। आप मोदी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।